नमस्कार, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। अभी इस वक्त हम हैं सतना के संतोषी माता तालाब में, जहां आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में छठ मैया के भक्त उमड़ चुके हैं। आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सतना के संतोषी माता तालाब पर, जहां हजारों की संख्या पे छठी मैया के भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद ढलते सूर्य को छठी मैया के भक्त अर्घ देंगे। आज छठ पर्व का तीसरा दिन है, कल चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण होने के बाद भी भक्तों के अंदर इतना उत्साह नज़र आ रहा है कि उन्हें कोरोना से किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह कोरोना संक्रमण पर आस्था भारी है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं, यहां पर मेला प्रांगण में जगह जगह पुलिसकर्मी हैं, काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि छठ मैया के भक्तों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। अब हम आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको वो सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे शाम 5:30 बजे कि किस तरह सैकड़ों की संख्या में एक साथ छठी मैया के श्रद्धालु ढलते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ देंगे। उसके पहले आप देखिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट। आज सीधे श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं जिन्होंने लगातार 4 दिनों तक अपना उपवास रखती हैं। आइए हम सीधे श्रद्धालुओं से बात करते हैं, छठी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आइए हम सीधे श्रद्धालुओं से बात करते हैं। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सरिता कुशवाहा है। इस त्यौहार की क्या खास विशेषता है? ये त्यौहार की ये विशेषता कि छठ माता ऐसी है जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, इसलिए इस व्रत को हम लोग करते हैं। कहते हैं इसे 4 दिनों तक मनाया जाता है, इसमें 4 दिनों में क्या खास बात रहती है? 4 दिनों में उनकी पूजा श्रद्धा सब हम लोग करते हैं मिलके, और बस यही सब अच्छा लगता है करने में। अच्छा, आपका नाम क्या है? बिमला कुशवाहा। आप इस छठ पर्व को मनाती हैं, आखिर इसकी क्या खास बात रहती है? खास बात रहती है हम लोग अपने भले के लिए मनाते हैं, बाल बच्चा के लिए मनाते हैं, अपने पति के लिए सुखी के लिए मनाते हैं। आप कितने दिनों तक उपवास रखती है इसके लिए? 2 दिन। 2 दिन। आइए हम अब दूसरे श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। हम लोग 3 दिन रहते हैं, 1 दिन नहाए खाए करते हैं, लौका का सब्जी बनाते हैं, चना के रहर के दाल बनाते हैं, चावल रोटी बनाते हैं, भजिया बनाते हैं, और उसको नहा के बनाते हैं और उसको खाते हैं और उसी खा को व्रत रहते हैं। हम छठी मैया के श्रद्धालुओं से छठी मैया के गीत सुनेंगे। आपने देखा कि कैसे छठी मैया की व्रती ने हमें गीत सुनाया। हम देख सकते हैं कि इस वैश्विक महामारी में भी इन श्रद्धालुओं के मन में इतना सारा उमंग है, छठी मैया के प्रति इतनी श्रद्धा भाव है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आगे का हाल हमारे सहयोगी महेंद्र पांडे जी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र चतुर्वेदी जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्रद्धालु के साथ साथ आसपास के लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं कि किस तरह सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो छठ पर्व है ये 4 दिवसीय पर्व होता है। 4 दिवसीय पर्व, पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन सांध्य अर्घ होता है और चौथे दिन भोर का अर्घ होता है। पहले दिन नहाए खाए में श्रद्धालु स्नान करने के बाद अपने घरों की सफाई करते हैं। अपने घर की सफाई करने के बाद शाम को स्वल्पाहार भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, खरना में दिन भर श्रद्धालु निर्जला व्रत रहते हैं और शाम को गुड़ की खीर खाते हैं और घी लगी रोटी और फल का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन श्रद्धालु शाम के वक्त जब सूर्य अस्त होता है तब सूर्य को अर्घ देते हैं और चौथे दिन
सुबह के वक्त सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये जो पर्व है सूर्य देव की बहन छठी मैया के नाम पर होता है और ये पर्व में उत्तर भारत के लोग खासा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे देश के कोने कोने के श्रद्धालु इस पर्व को मनाने लगे हैं और व्रत रहने लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है, किस तरह पंडाल बनाए गए हैं। कैमरामैन से हम गुजारिश करेंगे कि ये दिखाएं किस तरह ये व्रती के परिवार के सदस्यों ने यहाँ पे पंडाल बनाया है। बैंड बाजे के साथ ये पूरा त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपको मैं वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, ये जो मंदिर बनी हुई है ये वही लोग बनाते हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस पर्व पर व्रती होता है। और इसके साथ साथ एक दिन पहले व्रती के परिवार के सदस्य तालाब के पास आते हैं और अपनी जगह को रिजर्व करके चले जाते हैं ताकि कोई दूसरा व्रती उस जगह का उपयोग ना कर सके। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह सूर्य को अर्घ दे रही हैं आज व्रती महिलाएं। चलिए अब सीधे आपको तालाब का नज़ारा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर है संतोषी माता तालाब से, जहाँ पर छठी मैया का व्रत रहने वाली महिलाएं सूर्य को अर्घ दे रही हैं पानी में खड़े होकर, तालाब के अंदर घुसकर किस तरह सूर्य को अर्घ दे रही हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें एमपी वॉच पे दिखा रहे हैं सीधे संतोषी माता तालाब से। छठ पर्व किस तरह मनाया जा रहा है उत्साहपूर्वक, ये सीधी तस्वीरें संतोषी माता तालाब से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह अर्घ दे रही हैं। हाथ पे सूप, बांस की सूप या बांस की टोकरी, और उस टोकरी पर ठेकुआ प्रसाद और कुछ फल फूल भी हैं, ये सब रखकर किस तरह सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं एमपी वॉच पे। हाथ पे बांस की सूप या किसी श्रद्धालु के हाथ में बांस की टोकरी, उसके ऊपर ठेकुआ प्रसाद और फल फूल और गंगा जल के साथ किस तरह सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है आप देख सकते हैं। एमपी वॉच पे हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संतोषी माता तालाब से कि किस तरह छठी मैया का व्रत रहने वाली महिलाएं सूर्य को अर्घ दे रही हैं, हाथ में सूप ले हुए और सूप में ठेकुआ महाप्रसाद और सूर्य को ढलते सूर्य को अर्घ दे रही हैं। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे एक बार ढलते हुए सूर्य देव को भी दिखाएं, शूम करके दिखाएं। सीधे तस्वीरें संतोषी माता तालाब से। संतोषी माता तालाब में हजारों की संख्या में भक्त उमड़े हैं। कोरोना संक्रमण का किसी भी तरह कोई असर नहीं देखने को मिला है इस पर आपको हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें संतोषी माता तालाब से।